हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो मेरा होने वाला है एनिवर्सरी गिफ्ट के ऊपर, जो मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या क्या मिला मैं आप लोगों के साथ आज वो शेयर करूँगी। माना बहुत दिन हो गया, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एनिवर्सरी गिफ्ट का व्लॉग डालने, लेकिन थोड़ा सा बिजी चल रहा था शेड्यूल, इस बोल के नहीं डाल पाई। लेकिन आज मैं सोची कि एनी हाउ आज मुझे टाइम निकालना है एंड डालना है, व्लॉग बनाना है इसके ऊपर, एनिवर्सरी गिफ्ट के ऊपर। चलिए मैं सबसे पहले दिखाती हूँ, वो है ये। एंड बहुत लोग को ऐसे देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है, मैं फिर भी दिखाती हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे मतलब किसने कौन सा गिफ्ट दिया है, मैं वो भी बताऊंगी आप लोग को। इसलिए वीडियो पे बने रहिए और एकदम वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। तो यहाँ पे है ये पायल, आप लोग को दिख ही रहा होगा, मैं इसे जूम करके ऐसे सामने से मैं दिखाती हूँ। मैंने पायल है चिनकारी, सॉरी, ये मेरे फादर इन लॉ ने दिए हैं, काफी प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया था। मैं ये पहनी हूँ, मतलब अभी मैं यही पहन रही हूँ, तो मैं बस वीडियो के लिए मैं खोल के आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन अदरवाइज जब से मुझे ये पायल मिला है तब से मैं ये पायल पहन रही हूँ। बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही सुंदर है, इसका देख ही सकते हैं, मतलब कि कलर्स वगैरह है, ब्यूटीफुल है बहुत। इसमें देख रहे हैं पिंक कलर, ग्रीन कलर, मतलब कलरफुल पायल है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरी वाली गिफ्ट, कि दूसरा गिफ्ट क्या है और किसने दिया है मुझे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। टन टन, ये देखिए ये बॉक्स कितना प्यारा है, ये देख सकते हैं, बहुत ही। मुझे तो पता नहीं क्या, मतलब कुछ भी सामान लेती हूँ ना, उसका डब्बा अच्छा होना चाहिए, मतलब डब्बा बहुत सुंदर होना, मेरे सुंदर मतलब डब्बा ही, मैं ऐसा लगता है कि मुझे सुंदर सुंदर डब्बा दे दो। अगर कोई मतलब कोई भी होता ना डब्बा सुंदर नहीं देता, तो मैं बोल के मांगती हूँ कि भैया अच्छा वाला डब्बा दीजिएगा। ऐसे मुझे अच्छा लगता है डब्बा वगैरह सुंदर सुंदर रखना। तो बहुत बकवास कर दी, सॉरी सॉरी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसमें क्या है। ये सो यहाँ पे ये वाला जो गिफ्ट है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किए हैं, उन्होंने किए ये वाला गिफ्ट। कितनी प्यारी है ये इयररिंग्स, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसी से खुल गया, सो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। सो ये इयररिंग्स मुझे मिले, कैसे मैं दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक एक करके दिखाती हूँ तभी होगा। सो ये जो इयररिंग्स है, आप लोग को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये जो इयररिंग्स है, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट की है। यहाँ पे दो है, दो इन द सेंस की पेयर, वन पेयर। ये देखिए कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है, मतलब ट्राइंगल जैसा है, बहुत सुंदर सा है यहाँ पे। और नीचे एक झुमकी है, एक बॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और ये भी गोल्ड का है एंड काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारा है। ये सब, ये सूट वगैरह साड़ी वगैरह में भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे पास तो ऐसा वाला नहीं था, तो फिर माँ सोची होगी कि ऐसा वाला नहीं था तो चलो इसको ऐसा वाला दे देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, और कैसा लगा आप लोगों को आप लोग बताइएगा, और कौन सा गिफ्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। ठीक है गिफ्ट। अब चलिए मेरे तीसरे गिफ्ट के ऊपर, जो कि मेरे पति देव ने मुझे गिफ्ट किया है, एंड उन्होंने मुझे दो ठो गिफ्ट किया है, तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी एंड दोनों बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए और बिना बकवास किए हुए आपको दिखाती हूँ। तो टन टन ये है, एंड कोई गैस है? एनी गेस इसके अंदर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, टन टन
तो यहाँ पे मुझे उन्होंने ये सिल्वर की रिंग दी है, सिल्वर में अमेरिकन डायमंड की रिंग है एंड ये कोई मोजोलाइट वाली अमेरिकन डायमंड है, पता नहीं पता कुछ ऐसे ही बोल रहे थे मोजोलाइट के, जो कभी खराब नहीं होने वाली है, ये कॉस्टली वाली है अमेरिकन डायमंड की रिंग है। तो ये वाली रिंग आपको कैसी लगी कमेंट करेगा, ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया है, मैं आपको हाथ में पहन के दिखाती हूँ, ऑलरेडी मैंने पहना ही हुआ है, ये देख सकते हैं, ये जूम की ये भी नहीं ले रहा, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा, इसका इसका जो चमक है ना कुछ अलग ही है, बहुत ही सुंदर है। इसको मैं थोड़ा मतलब कुछ शादी वादी टाइप होगा इधर उधर तब मैं पहनूंगी, ऐसे नहीं पहनूंगी इसको क्योंकि ऑलरेडी मैं पहनी हुई हूँ, तो ये वाला मैं शादी ब्याह जो भी होता है कुछ भी फंक्शन या ओकेशंस होता है उसमें मैं पहनूंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम नहीं ले रहे हैं, सॉरी मुझे अच्छी आ रही थी तो ये वाली रिंग कैसी आप लोग को लगी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और सॉरी मैं बहुत ज़्यादा कमेंट कमेंट करती हूँ, पर क्या क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूज टू हो गई हूँ, मैं बार बार बोलते रहती हूँ, मतलब आप लोग भी कमेंट करते कि दीदी इतना कमेंट कमेंट मत लिखिए, मैं फिर भी बोलती हूँ सॉरी, मैं धीरे धीरे कम करूँगी बोलना। सो चलिए हमारा इतना सारा तो गिफ्ट आप देख लिए, इतना सारा नहीं मतलब तीन ठो तो देख लिए, एंड सबसे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला मैं आप लोग के साथ अभी दिखाती हूँ, एंड ये वाला गिफ्ट है ये टन टन। तो ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट किए हैं, वो मुझे दो ठो गिफ्ट किए, एक तो रिंग किए हैं एंड एक ये वाला किए हैं, तो एनी गेस इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई गेस है, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिखाऊंगी ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए ये बहुत ही लंबा है कि इससे भी निकल गया, डब्बा से भी निकल गया है। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने मुझे ये गोल्ड की चेन उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, ये एंड इनो ये यहीं का है, जलंधर से ही इन्होंने परचेज किया, यहाँ पे देख भी सकते हैं जलंधर, यहाँ पे एड्रेस वगैरह थे यहीं पे, पता नहीं सारे जो गोल्ड सिल्वर जो भी आए ये जलंधर से ही खरीदे हुए हैं ये सारे, एंड बहुत ही मुझे प्यारा लगा, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, मेरे पास और एक था लेकिन वो तो छोटा हो गया था तो मैं खोल दी थी, तो फिर हस्बैंड बोले कि ठीक है तुम्हारे लिए बड़ा वाला लेकर आऊँगा, एंड मुझे पता नहीं था कि वो ला ही देंगे, मतलब अभी ला देंगे ऐसा कुछ नहीं था, इतना पता था कभी ना कभी मुझे मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे एनिवर्सरी पे ही मिलेगा ये, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ऑसम मोमेंट था। एंड ये भी मैं चैन पहनती हूँ और वीडियो बनाने के लिए मैं ये खोली, एंड ये वाला मैं मंगलसूत्र जो है वो पहनी हूँ, तो कैसा लगा ये वाला चेन आप वो भी बताइएगा, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा, इसमें लॉकेट नहीं है तो हस्बैंड जी बोले कि लॉकेट भी बहुत जल्दी मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। एंड ये देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा चौड़ा टाइप में है, गला में भी थोड़ा पता चलता है पूरा अच्छे से, एंड बहुत ही सुंदर है, अब तो मैं यही पहनती हूँ, जब से ये आया तब से यही पहनती हूँ, और मंगलसूत्र अभी नहीं पहनती, कोई ओकेशन होता है वो सब मैं पहनती हूँ। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर दी, मतलब आप लोग मतलब सुन सुन के मेरा बात तो एकदम पक गए होंगे, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को सबसे प्यारा गिफ्ट कौन सा लगा, किसने दिया सबसे प्यारा गिफ्ट और किसका गिफ्ट सबसे प्यारा लगा, कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा, आप वो मुझे कमेंट करिएगा, वो मुझे बताइएगा। तो मुझे गोल्ड और सिल्वर में इतने ही सारे जो मिले हैं, ये चार चीज़ मिले हैं, तो चलिए अब मैं आप लोग को मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ, मेरे जो मुझे ड्रेस क्या गिफ्ट में मिले हैं मैं वो दिखाती हूँ। ये है ये जो ड्रेस है, ये गाउन है, बहुत ही सुंदर गाउन है, और यहाँ पे इसका जो लड़ी देख रहे हैं, ये जो लड़ी है ऐसी है पीछे की साइड, मेरे ड्रेस से मैच करती हुई है दोनों पर्पल, एंड एकदम नीचे देख सकते हैं, बाप रे मुझे ऐसे हाइट लंबा करना पड़ रहा, ये देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है। सो मुझे ये वाली जो ड्रेस है ये गिफ्ट मिली,
एंड ये वाली जो ड्रेस है ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, ये वाली गाउन। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, मैं अपने एनिवर्सरी के दिन ये गाउन ही पहनने वाली थी, लेकिन मैं जो मतलब कि जहाँ से खरीदी थी वहाँ पे फिटिंग के लिए दी थी एंड लेकर आए, उसके बाद मैं घर पे मैं ट्राई नहीं की और फिर अचानक से मैं सिर्फ वो एनिवर्सरी के दिन वेट कर रही थी कि उस दिन पहनूंगी, ट्राई नहीं की, जिस जो मेरा गलती था, मुझे ट्राई करना चाहिए था और नहीं की। और एनिवर्सरी के दिन जब पहन रही थी तो बहुत जगह से मतलब लूज आ रहा था, बहुत जगह टाइट हो जा रहा था, अच्छा फिटिंग ही नहीं बैठा, भूल के मुझे लास्ट में कैंसिल करना पड़ा और ये नहीं पहनी मैं। ये सही, अब मैं ये अपने बर्थडे पे पहनूंगी। और अब चलिए मैं आप लोग को दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ। सो तो ये वाला जो गिफ्ट है, सॉरी ये वाला जो ड्रेस मतलब गिफ्ट ही है, ये वाला जो ड्रेस है ये मेरे हस्बैंड जी ने मुझे खरीद दिया है। ये देखिए ये पटियाला है, मतलब फ्रॉक वाला पटियाला, ये देखिए ये फ्रॉक वाला पटियाला है। एंड इसके अंदर जो पैंट है मैं वो भी आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे डिजाइन है, धोती वाला पैंट है। एंड ये सबको मैं फिटिंग नहीं करवाई हूँ, बस खरे वो खरीद के लाए। एंड ये उनका पसंद का है, वो अपने पसंद से खरीद के लेकर आए, मुझे कुछ नहीं पता है, वो अपने पसंद से मुझे ड्रेस ला के ये दिए। एंड ये वाला मेरे हस्बैंड जी ने दिए। एंड चलिए अब मैं फिर आपको थर्ड गिफ्ट दिखाती हूँ। और इससे पहले जो और एक जो मैं अपने एनिवर्सरी के दिन पहनी थी, जो गाउन पहनी थी, वो गाउन नहीं था, सूट था, सूट गाउन जैसा था, मैं वो पहनी थी, तो वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, उन्होंने गिफ्ट किया। एंड उन्होंने बोला कि वो भी अच्छा लग रहा है बेटा, वो भी वही पहन लूँ तुम एनिवर्सरी के दिन। लास्ट में कोई ऑप्शन था नहीं तो मुझे वही पहनना पड़ा। एंड वो ड्रेस भी कैसा लग रहा था मेरे ऊपर बताइएगा आप लोग। तो चलिए हम सारा दिखा दिए। अब लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, जो मेरे नेबर्स आए थे, एक पड़ोसी मेरे हमारे पार्टी में, उन्होंने भी एक गिफ्ट किया मुझे, कुछ गिफ्ट किया है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने गिफ्ट किया है, तो यहाँ है ये सूट का पीस, उन्होंने येलो कलर का एक सूट का पीस है ये वाला जो मुझे गिफ्ट किया है उन्होंने। एंड यहाँ पे उनके लिए मेरे हस्बैंड के लिए टी शर्ट, ये टी शर्ट है एंड ये ड्रेस है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये अब मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, ये सूट का पीस है और नीचे ये टी शर्ट है, उसमें खोल के नहीं दिखाऊंगी, फिर खोलूंगी फिर फोल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस। सो मैंने अपनी ननद लोग की तो गिफ्ट दिखा ही नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। तो ये रहा मेरी बड़ी ननद का गिफ्ट। तो मेरी जो बड़ी ननद है उन्होंने मुझे ये वाला सेल्फी स्टैंड होता है, जो सेल्फी स्टिक होता है, वो गिफ्ट की है हमें हमारे एनिवर्सरी पे। एक्चुअली उन्होंने वो हमें एक हफ्ता पहले ही गिफ्ट कर दी थी, डिलीवर कर दी थी, वो ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ये ट्राईपॉड। एंड उसके बाद अब ये देखते हैं विंडो एसी, ये विंडो एसी मेरी छोटी ननद ने मुझे गिफ्ट किया है। एंड बहुत ज़्यादा ही राहत मिला, मतलब एसी से, एसी सच में बहुत ज़्यादा ही काम आया हमारा, अभी इतना ज़्यादा गर्मी था ना, हालत ही ख़राब हो गया था। और इतना प्यारा गिफ्ट, इतना अच्छा गिफ्ट जो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे हम। उसके बाद छोटी ननद ने एसी तो गिफ्ट किया ही, विंडो एसी तो गिफ्ट किया ही, साथ ही साथ माइक्रोवेव भी हमें गिफ्ट किया और हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इसमें बहुत सारा चीज़ हमने बनाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये गिफ्ट। आप लोग को कैसा लगा मेरी ननद लोग का गिफ्ट, आप वो भी कमेंट करिएगा। और सबसे अच्छा किसका गिफ्ट लगा आप वो भी कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखे तो मैं तो खुशी हो गई, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी इतना सारा गिफ्ट्स के लिए। एंड यहाँ पे है बड़ा वाला जिसमें चेन वगैरह और जो और भी गोल्ड्स के सामान हैं, जो इस वाले बैग में है, ये वाले बैग दिए हैं। ये देखिए कैसा है बैग बताइए, ये बैग अच्छा है ना। तो ये मेरा दो ठो प्यारा सा बैग, गोल्ड्स के ये सब बैग्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा एनिवर्सरी व्लॉग, एनिवर्सरी गिफ्ट व्लॉग। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड हाँ, अगर आप लोग को मेरा ये मेकअप वाला लुक पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। और तो चलिए अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाय, नमस्ते, प्रणाम।
थैंक यू ऑल।